उस गांव की एक 5 साल की बालिका थी और जिसने सुना था कि वृंदावन में बांकी बिहारी जी का कोई मंदिर है। संत लोग गांव में जाते, सत्संग होता, बिहारी जी की चर्चा, बिहारी जी की महिमा संतों के मुख से सुना करती थी। उस लड़की के माता पिता हर अमावस्या को श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करने के लिए श्री धाम में आते थे, क्योंकि आज भी आप कभी वृंदावन में अमावस्या के दिन आए तो आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं, वृंदावन में उस दिन आपको शहर की भीड़ नहीं दिखाई देगी। उस दिन आपको विशेष रूप से अमावस्या के दिन आसपास के गांव के लोग आकर के श्री बिहारी जी का दर्शन करते हैं, लाखों लोग आते हैं। तो उस लड़की के माता पिता हर अमावस्या को बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन छोटी थी, 5 साल की आयु, तो मन में सोचते कि चलो अपनी बेटी को भी बिहारी जी का दर्शन कराएं, पर मन में डर लगता था, गांव के भोले भाले लोग होते हैं, मन में ये उनको डर लगता था कि हमारी बेटी कहीं खो न जाए भीड़ में, तो इसलिए इस डर से माता पिता उसको वृंदावन नहीं लेके आते थे। जब थोड़ी और बड़ी हुई तो अब उस कन्या के मन में तो बचपन से बिहारी जी को देखने की इच्छा थी, दर्शन करने की इच्छा थी। अब जब युवा हो गई तो भी माता पिता ने एक बार तो मन में सोचा कि चलो हम वृंदावन इसको ले चलें, फिर सोच करके फिर रह जाते थे, अरे इतनी भीड़ में कहां जवान बेटी को ले जाएं, इतना भीड़ होती है, नहीं लेके आए। पर जो 5 साल की आयु की जो ठाकुर जी से लगन थी उस बालिका की, उस कन्या की, बिहारी जी ने ऐसी लीला कर दी कि वृंदावन में उस लड़की की शादी एक ब्रजवासी के साथ हो गई। 6 दिन वृंदावन रही, पर बिहारी जी महाराज का दर्शन करने नहीं जा सके, क्योंकि आप लोग जानते हैं घर में जब नई बहू आती है तो मुंह दिखाई होती है ना, तो सगे संबंधी परिवार के लोग, आना जाना हो रहा था, मुंह दिखाई हो रही थी, घर में भीड़ चल रही थी, नहीं जा सकी बिहारी जी का दर्शन करने, वापस अपने गांव माठ में चली गई। जब दुरागमन का समय आया, दुरागमन संस्कृत में कहते हैं गौना को, तो पति अपनी पत्नी को लेने के लिए गांव गया। जब विदा कराकर के अपनी पत्नी उस लड़की को लेकर के दोनों पति पत्नी आ रहे थे, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, सत्य घटना है बिहारी जी महाराज की, ये हमने पूज्य बड़े गुरुदेव से इस प्रसंग को सुना था, कथा में वो अपनी कहा करते थे, ये प्रसंग सुनाया करते थे, क्योंकि उनके सामने ये घटना हुई थी। तो साथ में गांव से जब चले तो पहले लोग जब चलते थे तो ट्रंक बिस्तर बंद साथ में, तो पति पत्नी ने दोनों ने बिस्तर बंद और ट्रंक अपने सिर पर रखा हुआ था, जा रहे थे गांव से निकले, वृंदावन की ओर आ रहे थे, तो मार्ग में यमुना जी पड़ी, शाम का टाइम हो गया था, तो पति ने अपनी पत्नी उस लड़की को कहा, देख संधि काल का समय है, मुझे संध्या वंदन करना है, तू यहाँ यमुना के तट पर थोड़ी देर के लिए बैठ, मैं अभी यमुना में स्नान करके संध्या वंदन करके आता हूं। तो उस पत्नी को मैंने, उस लड़की को वहां बिठा दिया, जो बिस्तर बंद था उस पर बिठा दिया, पास में ट्रंक रखा था, पति यमुना जी सामने थी तो स्नान करने के लिए चला गया, स्नान कर रहा था, स्नान करने के बाद यमुना के तट पर बैठ करके संध्या वंदन में लगा था। इधर वो लड़की आंखें बंद किए हुए अंतर मन से बिहारी जी से वार्तालाप करने लगी, क्योंकि भक्त अंतर हृदय से ठाकुर जी से वार्तालाप करता है।
मन में सोचने लगी। बिहारी जी को कहती है कि प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए 5 वर्ष की अवस्था से छटपटा रही हूँ, अभी तक प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिया और अब तो मेरी शादी ही वृंदावन हो गई है, अब तो बिहारी जी आपका दर्शन होगा ना। तो अंतरात्मा से बिहारी जी से वार्तालाप कर रही थी वो। तो कभी कभी आप देखना कोई कोई व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है, डूब जाता है, तो ऐसा लग रहा है अपने से ही बात कर रही है वो, माने आत्मा से जुड़ गई है ठाकुर जी से। और कहती है कि हे बिहारी जी, अब तो मेरी शादी वृंदावन हो गई, अब तो मैं वृंदावन रहूंगी, कब तक आपका दर्शन नहीं होगा, अब तो दर्शन करने को मिलेगा ना। उसके मन में भाव आया, नहीं प्रभु आप मुझे दर्शन क्यों दोगे, क्योंकि मैंने आपसे कोई संबंध तो जोड़ा ही नहीं है। भागवत में बताया है कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनों शतां क्षितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपदे विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदधो रंगं गतः साग्रजः। उस लड़की के मन में ठाकुर जी के लिए भाव जागृत हो रहे हैं। आपसे क्या संबंध जोड़ूं हे बिहारी जी, तो अपने पति की उम्र के बारे में सोचने लगी कि इस समय मेरे पति की आयु है 22 साल की। अब बिहारी जी की उम्र के बारे में सोचने लगी, जैसा संतों से सुना था, घर में चर्चा होती थी सत्संग की, तो जैसा मैंने सुना है आपकी उम्र तो आप किशोर अवस्था में हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 16 साल के आप होंगे। मेरे पति की उम्र है 22 साल की, आपकी उम्र है 16 साल की, तो आप तो मेरे पति से छोटे हैं ना। देखो कैसी मन में बात उस लड़की की आ रही है, कितना भोलापन है, कितनी सरलता है, कितनी निर्मलता है भक्त के हृदय की, चित कितना शुद्ध है। तो आप तो मेरे पति से छोटे हैं और छोटे भाई के समान हैं, तो हे बिहारी जी, तो फिर जब आप मेरे पति से छोटे हैं, छोटे भाई के समान हैं, तो आप मेरे कौन हुए बताओ ना, देवर लगे ना, और मैं आपकी भाभी लगी। तो ऐसा कोई वो दिन आएगा हे बिहारी जी, आप मेरे से भाभी कहकर के पुकारेंगे। अब देखिए अटपटापन, अटपटी बात, कोई सुने भी तो समझ में ना आए कैसा भाव है भगवान के। ऐसा मन में बैठी बैठी वो सोच रही थी, लेकिन 5 साल की आयु से उस कन्या के मन में बिहारी जी के दर्शन की जो लालसा थी, जो लगन थी, आज ठाकुर जी एक झलक उसको दिखाने जा रहे हैं। उसी समय यमुना जी के तट पर लगभग एक 12 से 14 साल के बीच का एक सुकुमार बालक, श्याम वर्ण, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, मंद मंद मुस्कुराता हुआ, धीरे धीरे पदचाप से आगे बढ़ता हुआ उस लड़की के पास आया वो बालक। और आकर के उस बालक ने धीरे से कहा, भाभी। एकदम वो चौंक गए, क्योंकि घूंघट किए हुए थी, घूंघट में बैठी थी। तो उसने देखा कि मुझे भाभी कौन कह रहा है, क्योंकि वहां अंदर भी वही भाव चल रहा था ठाकुर जी से वार्ता। तो मुझे भाभी किसने कहा,
काउंटर के सामने देखते रहे। तो एक बार तो उसके मन में आया कि शायद कोई हमारे वृंदावन का ही आस पड़ोस का लड़का होगा, तो संबंध होगा, तो भाभी कह रहा होगा। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और घूंघट ऊपर नहीं किया। फिर उस बालक ने कहा, भाभी भाभी कहां अपना मुख नहीं दिखाएगी। ऐसा कहते कहते वो लड़का उस कन्या उस लड़की के पास आया, तो उसको लगा कि ये बड़ा जिद्दी लड़का है और मेरी तरफ आ रहा है, तो और कहीं जबरदस्ती घूंघट ऊपर करके मेरा चेहरा न देख ले, क्योंकि भोली है ना, बड़े गांव की भोली भाली लड़की है। तो उसने क्या किया मालूम है, अपना घूंघट नीचे की ओर खींच लिया और कसकर के पकड़ करके घूंघट बैठ गया कि कहीं मेरा घूंघट ऊपर करके ये मेरा चेहरा ना देख ले। पर वो बालक भी कोई सामान्य बालक तो था नहीं। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो आया उस लड़की के पास। अब उसका सिर तो नीचे था, भाभी भाभी कहता हुआ जब उसने अपना घूंघट नहीं उठाया, तो उस बालक ने ही उस लड़की का घूंघट पकड़ करके झट ऊपर कर दिया। नीचे सिर था उसका ऐसे। तो उस लड़की ने सोचा कि जब इस बालक ने मेरा घूंघट ऊपर ही कर दिया है, तो एक बार मैं भी तो देखूं ये कौन है, इसकी कितनी मीठी आवाज है, देखूं तो सही कौन है। तो जो उसने सिर उठा करके उस बालक की ओर देखा, तो यमुना जी के तट पर उस सांवली सरोनी सूरत का दर्शन होने लगा साकार। सुकुमार बालक खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लाज से शर्म से पलक तो झुक गए, बंद हो गए। इधर वो बालक भी अंतर्धान हो गया, बैठी बैठी वो लड़की यमुना जी के तट पर रोने लगी। जब पति यमुना का स्नान करके आया, देखा कि ये तो बैठी बैठी रो रही है, तो पति को ऐसा मन में भाव आया कि शायद अपने माता पिता की याद कर रही होगी, पहली बार आज विदा होके मायके से जा रही है ससुराल में, तो शायद माता पिता को याद कर रही होगी। तो पति ने पूछा, क्यों री क्यों रो रही है, क्या हो गया? कुछ बोली नहीं। अरे बता तो सही क्यों रो रही है, बार बार पति पूछ रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। जब बार बार पति ने पूछा, तो एकदम अपना घूंघट ऊपर करके उस लड़की ने कहा कि आपके वृंदावन के लोग तो बड़े निर्लज्ज हैं। तो पति चौंक गया, बोले क्या हो गया? बोले अभी अभी एक लड़का आया और मेरे से भाभी कहने लगा। तो पति ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, अरे कोई आस पड़ोस का लड़का होगा, भाभी लगती होगी तो भाभी कह दिया। अरे उसने मुझे भाभी कहा तो कोई बात नहीं, पर उसने जबरदस्ती मेरा घूंघट ऊपर करके मेरा चेहरा क्यों देखा? देखो कभी कभी ठाकुर जी बहुत नजदीक आ जाते हैं, किसी रूप में प्रभु मिल जाते हैं, लेकिन ये जीव उनको पहचानने में गलती कर देता है। जब बार बार अपने पति को ऐसा बोल रही थी, तो पति को भी अच्छा नहीं लगा। तो पति ने कहा कि देख तू रो मत, वृंदावन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी दिन भी किसी गली गिरारे से जाते हो उस बालक को तू देखे तो मुझे इशारा कर देना, मैं हड्डी पसली तोड़ करके कर दूंगा, तू रो मत। पत्नी को समझाया, जैसे तैसे पति पत्नी दोनों ही जब यमुना जी को पार करके श्री धाम वृंदावन में आए, तो शाम का टाइम था, संध्याकाल का टाइम था। अंदर जब घर में एंटर होने लगे, तो माता पिता ने कहा कि देखो बच्चों, तुम बेटा
बहू को पहली बार अब लाए हो, तो सबसे पहले भी तुम्हारी बहू 6 दिन वृंदावन में रही लेकिन बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा सकी। अब जाओ दोनों उल्टे पांव पहले बिहारी जी का दर्शन करके आओ, फिर घर में आना, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहू आती है तो पहले बिहारी जी को प्रणाम करती है, जाओ पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो। तो लेकर के वो बिहारी जी के मंदिर की ओर दोनों जब चले, तो अब थोड़ी व्यवस्था कुछ बदल गई है, लेकिन पहले व्यवस्था यही थी, आगे की ओर स्त्रियां खड़ी होती थी, पीछे पुरुष खड़े होते थे। तो आगे ना वो लड़की जाके खड़ी हो गई, पीछे उसका पति खड़ा था। व्यवस्था तो आज भी ऐसी, लेकिन भीड़ में अब व्यवस्था हो जाती है, पर पहले उतना भीड़ नहीं थी, तो आगे स्त्रियां खड़ी होती, पीछे पुरुष लोग खड़े होते थे दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का। तो आगे खड़ी थी और घूंघट किए हुए हैं, बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर भी अपना घूंघट ऊपर नहीं कर रही थी, वो झांकी खुल रही है, बंद हो रही है, जय जयकार हो रही है, इसलिए घूंघट अपना ऊपर नहीं कर रही थी। उसने देखा घूंघट के अंदर से कोई मेरे ससुर समान यहाँ खड़े हैं, कोई मेरे जेठ समान है, तो लाज से शर्म से मैं अपना घूंघट कैसे ऊपर करूं। तो एक मर्यादा की ध्यान में रखते हुए वो अपना घूंघट ऊपर नहीं कर रही थी उन बड़ों को देख करके। बार बार झांकी खुल रही थी, जब पीछे से पति आया, पति ने कहा देख तू बिहारी जी के सामने खड़ी है, इनके सामने कैसी लाज कैसी शर्म, एक बार तू घूंघट ऊपर करके देख तो सही, कितनी सुंदर बिहारी जी है, कितनी अलौकिक इनकी छटा है। कांति सिता मिश्रित निंदित सारदेन्दुर यत्रै कतो विलसता मसतांग शोभां यस्तु यते श्रुतगणै निपुणै रजस्तम संपूज्यते कृतुगतै परणतै क्रियाभि तं सर्वकर्म फलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। कितने सुंदर है बिहारी जी, देख तो सही। पति तो कहकर के देखो पीछे की ओर गया, क्योंकि ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं हो सकता था ना, क्योंकि स्त्रियां खड़ी थी वहां। तो पति कहकर के अपनी पत्नी को वहां से पीछे की ओर पुरुषों की ओर गया, जहां पुरुष लोग खड़े थे मंदिर में। उसी समय बिहारी जी महाराज के मंदिर का, बिहारी जी का पर्दा खुला, उस लड़की ने अपना घूंघट ऊपर किया और जो बिहारी जी को देखा, तो देख करके बिहारी जी को अपने पति को जोर से आवाज लगाई, सुनो जी सुनो। क्या बोली? सुनो जी। जो आवाज लगाई अपने पति को, तो पति लौट करके आया, बोले क्या बात है? तो उस लड़की ने कहा कि यही वो छोरा हो याने मुझे भाभी कही। यही वो लड़का था बिहारी जी की मूर्ति में, वो लड़का जो यमुना जी के तट पर आया था, वही छवि बिहारी जी के श्री विग्रह में दिखाई दी। तो मंदिर के प्रांगण में पत्नी के चरणों में पति गिर गया और कहा धन्य तेरा प्रेम धन्य तेरा भाव, ठाकुर जी के चरणों में तूने कैसा भाव रखा और प्रभु ने तेरे भाव को पूर्ण कर दिया। तो भाव बदलिए नहीं,